नमस्कार। www.jagran.com 16 दिसंबर 2022 राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन दिव्यांगों को भी स्वास्थ्य बीमा का अधिकार नीति बनाए हाईकोर्ट। जागरण संवाददाता नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिव्यांगों को भी स्वास्थ्य बीमा का अधिकार है। हाईकोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामन और विकास प्राधिकरण IRDA को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इसके कोई संशय नहीं कि दिव्यांग स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार हैं, उनके लिए पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए। IRDA इसके लिए बीमा कंपनियों की बैठक बुलाएं और पॉलिसी तैयार कराएं। बीमा कंपनियों को 17 मार्च 2023 को अगली सुनवाई तक प्रस्ताव के साथ आने को कहा है। नोएडा निवासी सौरभ शुक्ला ने दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का मुद्दा उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शिबू सोनेर मामले में भविष्य में नहीं दी जाएगी कोई तारीख। जांच नई दिल्ली। लोकपाल कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्त मोर्चा झामुमो। प्रमुख शिबू सोनेर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में उन्हें अगली तारीख नहीं दी जाएगी। भाजपा सांसद शशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने शिबू सोनेर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। शिबू सोनेर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लोकपाल कार्रवाई को चुनौती दी है। बुधवार को सोनेर के वकील ने सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अगली तारीख मांगी। धन्यवाद। समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विकलांग बच्चों के सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड, यूनिक आईडी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 2022-2023 की फीस भुगतान की रसीद, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पास आउट की मार्कशीट और समग्र आईडी। जिन बच्चों के माता पिता विकलांग हैं उनके बच्चों में यह आवेदन कर सकते हैं, बच्चे विकलांग हो या ना हो। दस्तावेज जो ऊपर दिए गए वही रहेंगे, केवल माता पिता का आधार कार्ड और यूनिक आईडी कार्ड, डिसेबल सर्टिफिकेट लगेगा साथ में। नोट कीजिए, रजिस्ट्रेशन जो भी विकलांग स्टूडेंट है वो फ़ोन से करवा सकते हैं, पर आपको दस्तावेज लेकर 22 दिसंबर 2022 को हमें देना होगा। समय शाम 5 बजे तक। निजी स्थान हेमंत सिंह कुशवाहा, डॉक्टर विद्याराम कौशल क्लिनिक के पास, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड, हजारी कोठी के सामने, गली नंबर 2, मकान नंबर 39/46, मुरैना। मोबाइल नंबर 9074481685। हेमंत सिंह कुशवाहा जी, धन्यवाद। भरतपुर के सभी दिव्यांगों भाइयों को सूचित किया जाता है कि जल्दी से जल्द सहायक उपकरण वितरण किया जाएगा। आप सभी कृपया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संपर्क नंबर इस प्रकार से है, 9667836788 और 9393-9294-5584, ये नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। पैरा थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ई रोड तमिलनाडु में किया गया है। प्रशिक्षण के बाद भारतीय टीम का गठन किया जाना है, जिसमें झारखंड राज्य के खिलाड़ी भी इस शिविर में भाग लेंगे। यदि झारखंड राज्य से महिला एवं पुरुष वर्ग में कोई दिव्यांग खिलाड़ी थ्रो बॉल खेलना चाहते हैं तो तारीख 25 से पहले संपर्क करें। मुकेश कंदन विद निर्दलीय झारखंड, मोबाइल नंबर 9472778388। धन्यवाद। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ दिव्यांगों का 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो। 20 दिसंबर मंगलवार रांची चलो,
अपील, झारखंड के हर जिला, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव से दिव्यांग 20 दिसंबर को विधानसभा घेराव प्रदर्शन में अवश्य शामिल रहे। सुबह 9 बजे मोबाइल नंबर 7763935048, 7004714994, 8080588614। थैंक यू। नमस्कार। नए साल पर विकलांगों को लाखों की सौगात बांटेंगे पाशा शाह टाइम ब्यूरो बिजनेस। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम आर पाशा हर साल की तरह इस बार भी नए साल 2022 के मौके पर विकलांगों, गरीबों एवं बेसहारा लोगों को लाखों की सौगात बांटेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम आर पाशा ने अपना पूरा जीवन विकलांगों, गरीबों एवं बेसहारा लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। वह खुद विकलांग है, इसलिए विकलांगों का दर्द वह बखूबी समझते हैं। विकलांगों, गरीबों व बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए ही उन्होंने अपना घर न बसाने का संकल्प किया था। इसलिए संकल्प को पूरा करने के लिए वह ईमानदारी व गंभीर के साथ प्रयास कर रहे हैं। जहां हाँ, गैर विकलांगों के द्वारा विकलांग संगठन व पार्टी बनाकर विकलांगों की मदद के नाम पर चंदा एकत्र कर उससे दावतें उड़ाई जाती हैं और शराबखोरी व आयाशी की जाती है। वहीं एम आर पाशा खुद अपनी जेब व अपने परिवार के सहयोग से हर साल विकलांगों, गरीबों, परिवार की बेटियों एवं बसेरा को लिहाफ, कंबल, सिलाई मशीन, ट्राईसाइकिल, कैलिपर्स व अन्य कीमती उपकरण बांटते हैं। इस दौरान किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाता है। इस तरह का आयोजन उनके द्वारा हर साल किया जाता है। इस बार भी वह जनवरी माह में बुढ़नपुर में भव्य समारोह में लाखों रुपए का सामान बांटेंगे। एम आर पाशा का कहना है कि वह ऐसा कर किसी पर कोई ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं। उनका मानना है कि विकलांगों व गरीबों का दर्द मैंने खुद महसूस किया है, वह सिर्फ इस दर्द को बांटने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। ऐसा करके उन्हें अनमोल सुकून व खुशी मिलती है। दूसरी तरफ जनपद में कई ऐसे शैतान भी सक्रिय हैं जो विकलांगों को सरकारी सुविधा दिलाने के नाम पर उन्हें रिश्वत ले लेते हैं। उनके उनसे रुपए लेकर शराबखोरी व अय्याशी भी की जाती है। वह खुद विकलांग नहीं है, इसलिए विकलांगों का दर्द नहीं जानते हैं। इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से भी मोटा चंदा ले लिया जाता है। नगीना का एक मामला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कंबल बांटने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी व राशन डीलरों से हजारों रुपए वसूल के लिए गए। न तो कंबल बांटे गए और न ही उस रकम का पता चला, बल्कि कई दिनों तक मुर्गा व शराब पार्टी चलती रही। बताया जाता है कि सीएमओ कार्यालय में विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले से भी इनके कुछ एजेंटों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। यह भी मांग कर गुजार करने वाले भी जेब काट लेते हैं। जनपद में कुछ महिलाएं भी इस काम में उतरी हुई हैं। पूंजीपतियों, सफेद पोशों व जनप्रतिनिधियों को लेनी चाहिए एम आर पाशा से नसीहत। धन्यवाद। नमस्कार। प्यारा पावर लिफ्ट जैनब ने दुबई में जीते 2 पदक। जागरण संवाददाता मेरठ। दुबई में चल रही पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरठ की पैरा एथलीट जैनब खातून ने 2 पदक जीते हैं। 65 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेकर जैनब ने शुक्रवार को ओ बैच प्रेस में 70 किलो भार उठाकर 2 कैटेगरी में पदक जीता है। मुख्य कैटेगरी में कांस्य पदक जबकि ओपन कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक जीता। इससे पहले जैनब ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान बनाया था। नगला साहू गांव की रहने वाली जैनब के पिता किसान हैं। जन्म से पोलियो से
पीड़ित जैनब ने 2019 से कोच प्रफुल त्यागी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कर रही है। कोविड महामारी के दौरान सब कुछ बंद होने पर प्रफुल ने घर में ही जिम की सामग्री मंगाकर जैनब का प्रशिक्षण जारी रखा। जैनब ने पहले ही प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही एशियन गेम्स में उनके चयन का रास्ता भी साफ हो गया है। धन्यवाद। नमस्कार। झारखंड आंदोलन संघ ने दृष्टिबाधित क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की जीत पर केक काटकर मनाई खुशी। देश प्राण संवाददाता रांची। राजभवन के सक्षम बैठे हुए झारखंड के समस्त दिव्यांगजनों के आज प्रेस रिलीज जारी कर दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट मैच की खुशी के में केक काटकर सुजीत मुंडा एवं पूरी टीम को इस बड़े सौगात के लिए बधाई दी। मालूम हो कि पिछले 22 दिनों से कपकपाती ठंड में लगातार झारखंड के समस्त दिव्यांगजन राजभवन के समक्ष अपने हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच में उनके संगठन से प्रतिभा से भरा हुआ सुजीत मुंडा को, जो एक दिव्यांग दृष्टिबाधित क्रिकेटर है, उन्होंने दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप में मुसलमान अपने अच्छे प्रदर्शन में मैन ऑफ द सीरीज का पद अपने नाम लिखवाया है। वही झारखंड के दिव्यांगजनों के हौसले को भी बुलंद किया। सुजीत मुंडा के इस बेहतरीन कारकिर्दी को पर झारखंड दिव्यांग संघ और समक्ष झारखंड वासियों को सुजीत मुंडा पर गर्व है। साथ ही साथ झारखंड दिव्यांग आंदोलन के पदाधिकारी ने सुधीर मुंडा से फोन पर बातचीत को की और उन्हें बधाई दी। वही सुजीत मुंडा ने धरना पर बैठे हुए दिव्यांगजनों को फोन पर कहा, झारखंड आते ही सबसे पहले धरना स्थल पर जाऊंगा और हम अपने दिव्यांग भाइयों के हक अधिकार के लिए धरना स्थल पर डटे रहेंगे। मालूम हो कि धरना स्थल पर भारी संख्या में दिव्यांगजनों के केक लाकर के भारतवर्ष को इस जीत की खुशी में सेलिब्रेट किया और दिव्यांग कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर है इसी खुशी मनाई गई। इसी मौके पर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेंद्र कुशवाहा उर्फ कोरिल कुमार, डॉक्टर एस ए राही, आफ्ताब आलम, मुकेश कंचन, जाहिद अंसारी, उद्दीन सुनीता कुमारी, रोशन कुमार कुमारी, जिना सरोज बरला एवं धरना स्थल पर बैठे हुए समस्त आंदोलनकारी इस खुशी में उपस्थित रहे। धन्यवाद।